जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय सेना की बॉर्डरों पर रोड बनाने में सहायता करती है, उसके अंदर आपकी एक नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में डिटेल वाइज में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो 10 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 9 सितंबर रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, और अभी तक अपने हमारे टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के भर्ती होती है, जो आपकी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्य करती है। इसमें अगर वैकेंसी की बात करते हैं, किस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई, ये निकाली गई आपकी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, यानी कि एक प्रकार से आपकी आर्मी की वर्दी मिलती है आपको उस भर्ती के माध्यम से। अगर इसमें आप भर्ती हो जाओगे तो आपको आर्मी की वर्दी दी जाएगी और आर्मी के ही साथ आप काम करोगे, क्योंकि ये भर्ती होने वाली है आपकी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के पदों पर। इसमें अगर हम योग्यता की बात करते हैं, योग्यता क्या मांगी गई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें वैकेंसी कितनी कितनी, किस पद के लिए कितनी वैकेंसी होने वाली है। ड्राफ्टरमैन की अगर हम बात करते हैं तो ड्राफ्टरमैन के लिए जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, वो वैकेंसी रहने वाली है ड्राफ्टरमैन के लिए आपकी 16 वैकेंसी। और सुपरवाइजर की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी। टर्नर की अगर हम बात करते हैं तो टर्नर में 10 वैकेंसी। मैकेनिस्ट की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी। ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी की बात करते हैं तो 18 वैकेंसी। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होने वाली 417। योग्यता भी कुछ ज्यादा नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएगा, ठीक है ना। और ड्राइवर रोड रोलर की अगर हम बात करते हैं, जो रोड रोलर चलता है, उसके लिए आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले योग्यता की बता दो, अगर आप ड्राफ्टरमैन के लिए आवेदन करते हो तो आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। साथ में अगर ड्राफ्टरमैन साहब ने वो डिप्लोमा आईटीआई की हुई है तो आप वो भी लगा सकते हो। उम्र सीमा की बात करते हो तो 18 से लेकर के 27 साल तक आपकी उम्र सीमा मांगी गई है। अगर सुपरवाइजर के पद के लिए आप आवेदन करते हो तो सुपरवाइजर के लिए भी आपकी योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। उससे संबंधित आपने अगर कोई आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हो। उम्र सीमा इसमें भी आपकी 18 से लेकर के 27 साल मांगी गई है। टर्नर की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी वो आपकी 10वीं पास, इसमें भी साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट विद रिलेटेड ट्रेड, यानी कि आपके टर्नर का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिस्ट की तो 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, मैकेनिस्ट से आपने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। उम्र सीमा इसमें भी 18 से 27 साल है। ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी के लिए आपकी योग्यता 10वीं पास मांगी गई है, साथ में आईटीआई, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से लेकर के 27 साल तक मांगी गई है। अब आ जाती है ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी, इसमें आपकी सिर्फ योग्यता 10वीं पास, किसी भी आपको आईटीआई की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में 417 वैकेंसी है, इसमें आपकी टोटल 466 पदों पर भर्ती निकाली गई है, 417 इसी पद पर भर्ती होने वाली है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए। योग्यता सिर्फ 10वीं पास, साथ में आपके पास वैलिड HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है, अगर नॉर्मल लाइट व्हीकल मोटर का जो लाइसेंस है, जो आपका गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए मिलता है, अगर वो है तो आप क्या है कि अप्लाई कर दें हैवी मोटर व्हीकल के लिए, तो वो भी बन जाएगा जिसको ये भर्ती देंगे। उम्र सीमा इसमें भी 18 से 27 साल मांगी गई है, क्योंकि जल्दी से हैवी लाइसेंस देखने को हमें बच्चों के पास मिलता नहीं है, ऐसी वैकेंसियों में कंपटीशन भी आपका काफी कम होता है। ड्राइवर रोड रोलर के लिए आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है, लेकिन इसमें भी आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 27 साल उम्र सीमा मांगी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो उम्र सीमा में आपको 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। अगर SC ST कैटेगरी से आते हो तो उम्र में आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम इसमें बात करते हैं फॉर्म फीस की, फॉर्म फीस ज्यादा नहीं रहेगी, सिर्फ 50 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है आपकी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट जो आपको होता है, मेजरमेंट टेस्ट वो देना होगा। उसके बाद जो ड्राइवर के पद के लिए आवेदन करेंगे उनका ड्राइवर का टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो मैंने आपको बताई दी कि 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, 9 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। और जैसे कोई नई अपडेट आती है इससे संबंधित, इसका पूरा नोटिफिकेशन आता है तो उस समय मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके बता दूंगा। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, और जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं टेलीग्राम अकाउंट पर आपकी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर पाओगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।